दोस्तों मैं फिर से कम शूट खेला फैंसी सिलेक्टर पर यहाँ पर हम बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में। यहाँ पर जो कल का मैच आप कह सकते हैं कि ब्रेबोन स्टेडियम पर खेला जाने वाला नेक्स्ट मैच यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच यहाँ पर जो खेला जाएगा शाम को 7:30 बजे से। इस मैच की अपन इनडेप्थ यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल में यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे। इस IPL में 2022 में इस मैदान पर ब्रेबोन स्टेडियम पर कितने मुकाबले खेले गए, उसके क्या रिजल्ट्स निकल करके सामने आए हैं, उसकी बेसिस पर पिच रिपोर्ट हमारी कहती क्या है, क्या यहाँ पर संभावनाएं बन सकती हैं टॉस जीतने वाली टीमों के लिए, और साथ ही साथ स्पिन और पेस ने यहाँ पर क्या आंकड़े अभी तक निकाल करके लाए हैं सामने, और उसको देखते हुए ये हम ये देखेंगे कि चेज करने वाली टीमें यहाँ पर अपर हैंड लेकर के चलेंगी या पहले बैटिंग करने वाली टीम, और उसी को रिलेट करते हुए हम हर एक प्लेयर के पहली इनिंग और सेकेंड इनिंग की परफॉर्मेंस देखेंगे उनके थ्रू आउट द करियर T20 का, और उसको देख करके हम रिलेट करेंगे और अपनी ग्रैंड लीग की टीम के लिए जबरदस्त तरीके की यहाँ पर हम पूरी की पूरी एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। बाकी स्मॉल लीग की टीम आपको इस वीडियो के अंत में तो मिलेगी ही मिलेगी, फाइनल टीम जो होगी आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगी स्मॉल लीग की टीम। और जो सबसे यूनिक बात हमारे टेलीग्राम के चैनल पर होती है, एक स्मॉल लीग की टीम तो आपको मैं देता ही हूँ, 6 ग्रैंड लीग की टीम भी हर एक मैच की आपको मैं देता हूँ, और ना सिर्फ IPL बल्कि सारे मैचेस हम लोग कवर करते हैं, T10 T20 जो अदर होती हैं। अभी अगर मैं बात करूँ तो इंडिया वीमेंस सीनियर T20 भी चल रहा है, वो भी हम कवर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ और आपको कहीं मिलेगा है नहीं। मेरे टेलीग्राम के चैनल पर भी आप जाकर के देखेंगे जो मैचेस हम कवर करते हैं, ना सिर्फ कवर करते हैं बल्कि वन साइडेड क्लीन स्वीप भी करवाते हैं। तो ये फ़र्क आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पर और यूट्यूब के चैनल पर वीडियोस देख करके आपको पता चलेगा। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लगातार बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, तो आपको डेली हर एक IPL के मैच की वीडियोज़ से 1000 रुपये का लाइक और कमेंट गिव अवे जीतने का मौका मिलेगा, जिसमें 3 विनर्स मैं रखता हूँ। तो ये भी सबसे बड़े चांसेस होते हैं, चांसेस आपके पास काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि 3 लोग यहाँ पर विनर्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड विनर यहाँ पर 1000 रुपये का गिव अवे लेकर के जाता है। इसी वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसका भी गिव अवे 1000 रुपये का होगा, जो आंसर करेगा सही उसको 1000 रुपये का गिव अवे किया जाएगा, और मेरे टेलीग्राम के चैनल पर अलग से 45,000 रुपये का गिव अवे मिनिमम होता है, और या तो ये भी हो सकता है कि कभी कभी आपको 20,000 रुपये का एक गिव अवे मिलता है, और एक ऐसा गिव अवे मिलता है जहाँ पर आपको 1 रुपये में या तो iPhone 13 मिल जाता है या तो OnePlus Nord Pro वाला फ़ोन मिल जाता है, तो वो भी 1 रुपये में सिर्फ होता है, और एक जगह पर 1,00,000 रुपये में 1 रुपये में 1,00,000 रुपये जीतने का भी मौका आपको मिलता है मेरे टेलीग्राम के चैनल पर। तो सारी सुविधाएं आपको वहाँ पर मिलेंगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए, जहाँ पर आपको 6 ग्रैंड लीग की और एक स्मॉल लीग की टीम रेगुलरली मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इस सीजन के इस मैदान पर खेले गए मैचेस की, तभी तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 5 मुकाबले खेले गए हैं। 5 मुकाबले में अगर हम देखें तो 3 ऐसे मुकाबले गए हैं जिसमें से चेज करने वाली टीम जीती है, 2 ऐसे मुकाबले गए हैं जहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम यहाँ पर जीत पाई है। हालांकि मैं स्टिल यहाँ पर कहूँगा कि कोई बहुत बड़ा एडवांटेज होता नहीं है टॉस जीतने का, हालांकि फिर भी जैसे मैंने बताया कि चेज करते हुए टीमें यहाँ पर अगर ओवरऑल आप जाकर के देखें इस टूर्नामेंट में इस सीजन में तो 5 ही मुकाबले खेले गए हैं, लेकिन अगर लास्ट के 7 मुकाबले अगर हम देखें उसको मिला करके तो 5 मुकाबले यहाँ पर टीमें हारी हैं जो चेज करते हुए नजर आई, और केवल 2 मुकाबले यहाँ पर जीत पाए थे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आखिरी के जो 5 मुकाबले इस मैदान पर खेले गए इस सीजन के, 3 मुकाबले चेज करते हुए टीम जीती है, 2 मुकाबले यहाँ पर हार गई है चेज करते हुए, पहले बैटिंग करते हुए टीम जीती है। तो बेसिकली यहाँ पर टॉस इंपॉर्टेंस इसीलिए हो जाता है कि टीम यहाँ पर फैसला करेगी क्या बेसिकली, और जो फैसला करेगी टॉस के हिसाब से उसी बेसिस पर हमारी फाइनल टीम बनती है, और वो आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिलती है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल का लिंक दे दिया है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल का लिंक मिल जाएगा, इवन पिन कमेंट सेक्शन में भी आपको मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल का लिंक दे दिया है, जहाँ पर आपको डेली गिव अवेज तो मिलते हैं, फाइनल टीम भी आपको वहाँ पर मिल जाती है। स्पिन और पेस के आंकड़े को देखो तो पिछले 7 मुकाबले में 64 विकेट यहाँ पर तेज गेंदबाजों ने लिए, स्पिन गेंदबाजों ने 22 विकेट लिए। स्पिन गेंदबाज डेफिनेटली हर तरीके के मैचेस में अपना रोल तो प्ले करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस मैदान पर ज़्यादा उनको कोई ज़्यादा यहाँ पर मदद मिलती है नहीं, तेज गेंदबाज यहाँ पर आपको ज़्यादातर विकेट निकालते दिखाई पड़ेंगे, उसमें भी सेकंड इनिंग में ज़्यादा 50 विकेट पिछले 7 मुकाबले यहाँ पर स्पिन तेज गेंदबाजों ने सेकंड इनिंग में निकाला, जबकि तेज गेंदबाज स्पिन ने मिला करके, जबकि पहली इनिंग के अगर हम टोटल फॉलो विकेट्स देखें तो मात्र 36 रहे, तो बड़ा अंतर है 7 मुकाबलों में 14 विकेटों का अंतर, यानी कि हर मैच में करीब 2 विकेट का अंतर। तो डेफिनेटली चीज़ दिखाती भी है कि यहाँ पर सेकंड इनिंग में बैटिंग थोड़ी सी मुश्किल, कंपेरिजनली थोड़ी सी मुश्किल हो ही जाती है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि इस सीजन में 3 मुकाबले 5 में से चेज करते हुए टीम जीती भी है, तो इसको कोरिलेट भी करते हुए आपको चलना है, और साथ ही साथ हेड टू हेड के मुकाबले को भी देखें तो सनराइजर्स और हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच कुल 21 मुकाबले खेले गए, इसमें 7 मैच सनराइजर्स ने जीते हैं, 14 मुकाबले जीते हैं KKR ने, और इन 14 मुकाबले जो KKR की टीम जीत करके अपर हैंड लेकर के चलती है उसमें पहली इनिंग में जब इन्होंने जो जीते 10 किए उसमें से 6 मैचेस जीते हैं पहली इनिंग में 21 में से, और 8 चेज करते हुए टीमें जीती है। तो अंदर दरअसल का यहाँ पर बड़ा रोल होता है हमेशा ही KKR के जीत में, अंदर दरअसल अब तो पैट कमिंस भी जुड़ गए हैं साथ ही साथ, तो चेज में उनका काफ़ी बड़ा योगदान हमेशा ही रहता है, और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो पहली इनिंग की अपेक्षा सेकेंड इनिंग में ज़्यादा बेहतर तरीके से चेज करते हुए टीमें जीतती रही है KKR की SRH के खिलाफ, और साथ ही साथ SRH की अगर हम बात करें तो उन्होंने 4 मैचेस जीते हैं पहले बैटिंग करते हुए, 3 मुकाबले जीते हैं
सेकंड इनिंग में बैटिंग करते हैं और इन दोनों टीमों का पहली इनिंग और सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर एक दूसरे के खिलाफ देखें तो हेड टू हेड में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जो पहले बैटिंग करते हैं तो केकेआर के खिलाफ बनाती है 159 रन ऑन एन एवरेज और सेकंड इनिंग में 149, पहली इनिंग में बनाती है केकेआर की टीम 163 रन एसआरएस के खिलाफ ऑन एन एवरेज और सेकंड इनिंग में 140। तो ये चीज़ बड़ा अंतर आपको दिखाई पड़ेगा तो और इसको जरूर ध्यान में रखिएगा और जो इसी को रिलेट करते हम इनिंग वाइज एनालिसिस हर प्लेयर का करेंगे उसको को रिलेट करके अपनी ग्रैंड लीग की टीमें बड़े आसानी से बना सकते हैं। अब टीमों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो टीमें रही हैं अभी तक सनराइजर्स हैदराबाद की शुरू में बात करें तो कुल मिलाकर के 4 मुकाबले खेले इस टीम ने। बैटिंग में इनकी टीम को कहा जा रहा था कि काफ़ी कमजोर दिखाई पड़ रही थी शुरू से ही, लेकिन पिछले 2 मैचेस में अपने बैटिंग के दम पर इस टीम ने अपने दोनों मुकाबले जीते हैं, आखिर के दोनों 8-8 विकेटों के बड़े अंतर से, वो भी सीएसके को हराया है और गुजरात टाइटन जैसी बड़ी टीम को हराया जिनकी बैटिंग तो चाहे जो कहिए लेकिन बॉलिंग वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स में से एक है गुजरात टाइटंस की इस पूरे टूर्नामेंट में, उसको भी इन्होंने 8 विकेट से हरा दिया। तो पिछले 2 मैचेस में बैक टू बैक जीत करके टीम आ रही है। वहीं अगर हम बात करें जो दूसरी टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स की, इसने अगर हम बात करें तो पहला मुकाबला जीता, कुल टोटल मिलाकर के 5 मुकाबले टीम खेल चुकी है जिसमें से 3 मुकाबले टीम जीती है, 2 मुकाबले टीम हारी है, लास्ट मुकाबला दिल्ली के खिलाफ टीम हार करके 44 रन के बड़े अंतर से हारी है जिसमें कि बॉलिंग की अच्छी खासी धुनाई हो गई थी। ये तो हो गए टीम के एनालिसिस, साथ ही साथ यहाँ पर मैच भी चल रहा है जब मैं देख रहा हूँ तो राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस का वो भी हम देख रहे हैं। तो फिलहाल इसी वजह से आपको बार बार उधर देखते हुए दिखाई पड़ रहा हूँ, काफ़ी शानदार बैटिंग हो रही है। अश्विन के बारे में आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, तो आज के मैच में यानी कि जब मैं पिछला मैच कवर कर रहा था राजस्थान और गुजरात का, उस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 3 बड़े प्लेयर्स के नाम मैंने वहाँ पर लिया था वो जो ग्रैंड लीग जितवाएंगे, उसमें से अश्विन का एक नाम मैंने लिया था। अश्विन थोड़ा सा अनलकी रहे बॉलिंग करते हुए, उनकी गेंदों पर 2 कैचेस छूटे और नंबर 3 पर उनसे बैटिंग करवाई जा रही है। तो बिल्कुल ऐसे इनसाइट्स आपको मेरे चैनल पर मिलते हैं। अब अश्विन चलेंगे कि नहीं चलेंगे वो अलग बात है, लेकिन मौके उनको पूरी उनकी टीम दे रही है और वो ग्रैंड लीग जितवाने के सबसे बड़े प्लेयर में से एक साबित हो सकते हैं। अगर अभी वो बैटिंग कर रहे हैं, जब मैं यहाँ पर वीडियो को देख रहा हूँ छक्का भी जड़ चुके हैं, तो अगर वो अच्छी बैटिंग कर जाते हैं तो बड़े बड़े ग्रैंड लीग से वो जितवाएंगे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को, जैसा कि आपको मैंने कल ही बताया था। तो ऐसे इनसाइट्स आपको मेरे इस यूट्यूब के चैनल पर लगातार मिलते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक तो जरूर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्लेयर्स की, तो केन विलियमसन की बात करें तो अभी तक सनराइजर्स की तरफ से कुल मिलाकर के 57-32-16 2 रन की 4 पारियां खेली हैं। शुरू में थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म दिखाई पड़ रहे थे, लास्ट मैच में अच्छी हाफ सेंचुरी जड़ी इन्होंने। हेड टू हेड के स्टार्ट देखे तो बिल्कुल यहाँ पर आपको हर एक प्लेयर के हेड टू हेड स्टार्ट मिलेंगे। इस मैदान पर खेले गए मैचेस में उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, वो पहली इनिंग में कैसा खेलते हैं, सेकंड इनिंग में कैसा खेलते हैं और इस पहली इनिंग सेकंड इनिंग की परफॉर्मेंस को आप रिलेट करके चलिएगा। जो आपको मैंने बताया था हेड टू हेड के स्टार्ट में भी कि दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ कैसा खेलती है और साथ ही साथ इस पिच पर क्या रिकॉर्ड रहा है उसको। 2021 का रिसेंट फॉर्म भी देखें यानी कि इस आईपीएल के पहले का तो 24 में 677 रन था, 42 का एवरेज था। तो वैसे भी केन विलियमसन एक चैंपियन प्लेयर हैं, उमेश यादव के खिलाफ जरूर है 34 गेंद पर एक बार आउट हुए 69 रन बना के। तो हेड टू हेड मेन्यू इनिंग वाइज एनालिसिस आईपीएल का फॉर्म उसके पहले का फॉर्म और साथ ही साथ उनका प्लेयर बैटल हर एक चीज़ आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब आगे बढ़ेंगे, बात करें पर अभिषेक शर्मा जो पिछले 2 मैच से खास करके काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 42-75 और उसके पहले 2 मैच में 13-9, इनके साथ एक प्लस पॉइंट चलकर हमेशा रहेगा कि आपको लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कभी कभार करके दे सकते हैं। हालांकि काफ़ी अच्छे बॉलर है लेकिन इनसे बॉलिंग अभी तक करवाई नहीं गई, हालांकि इनका हेड टू हेड स्टार्ट जो वो थोड़ा सा काफ़ी कमजोर दिखाई पड़ता है। 2 मैच में मात्र 8 रन है, पहली इनिंग में बैटिंग करते थे 24 के एवरेज, सेकंड इनिंग में 25 का, बॉलिंग भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और रिसेंट फॉर्म देखते 2021 में 20 मैच 434 रन थे, 27 के एवरेज था, 9 विकेट थी। तो ये इनका फॉर्म था आईपीएल के पहले का और रिसेंट फॉर्म भी तो काफ़ी अच्छा है। अब आगे बढ़े, बात करें पर तो राहुल त्रिपाठी बहुत अच्छे बल्लेबाज आपको पता ही है, लेकिन फिलहाल अभी तक 17-39-44 शून्य की 4 पारियां खेल पाए हैं, अच्छे फॉर्म में दिखाई भी पड़ रहे हैं और रहे भी थे 2021 में अच्छे फॉर्म में। 21 में 484 रन, 21 का बैटिंग एवरेज, पहली इनिंग में और सेकंड इनिंग में बैटिंग करते हुए थोड़ा सा बेहतर खेलता है। पहली इनिंग में 33 का इनका एवरेज रहा था, हेड टू हेड में अभी तक 6 मैच 199 रन इन्होंने बनाए हैं सामने वाली टीम के खिलाफ। अब जो दूसरी टीम यहाँ पर आते हैं प्लेयर, नंबर 4 पर निकोलस पुरन बहुत अच्छे फॉर्म में था, आपको बता होगा कि इंडिया वेस्ट इंडीज की जो सीरीज हुई थी वहाँ पर इन्होंने बैक टू बैक हाफ सेंचुरी जड़ी थी। हालांकि इस आईपीएल के दौरान अगर मैं बात करूँ तो 4 इनिंग्स में 2 बार नॉट आउट भी रहे हैं, तो अब ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ फॉर्म हो चुके हैं, बल्कि मैं तो स्टिल कहूँगा कि ग्रैंड लीग के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर आज के मैच में हो सकते हैं। आपको सिंगल हंड्रेड लिए जितवा सकते हैं कोई भी ग्रैंड लीग या कोई भी स्मॉल लीग की टीम, तो इनको आप कप्तान या वाइस कप्तान कम से कम 4-5 टीमों में रखिएगा अगर आप 20 ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तो। हालांकि हेड टू हेड के स्टार्ट देखें तो 5 मैच में मात्र 97 रन, लेकिन अभी बिल्कुल अलग से निकोलस पुरन है। सिमरन हेटमार को भी आप देख लो क्या कमाल की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और ये चेज करते हुए ज़्यादा फ्रीली खेल पाते हैं। 31 का इनका बैटिंग एवरेज सेकंड इनिंग में होता है निकोलस पुरन के जब ये चेज करते हैं, और पहली इनिंग का इनका बैटिंग एवरेज होता है 23 का। रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो 2022 में जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी कमाल के फॉर्म में थे, 8 मैच में 348 रन, 50 का बैटिंग एवरेज। सुनील नारायण की 82 गेंद पर 108 रन बना के एक बार आउट हुए, यानी कि अपने हम वतन को काफ़ी जबरदस्त इन्होंने पीटा है।
रसेल की गेंद पर जरूर 5 बार आउट हुए हैं, ऐसे 71 गेंद पर 112 रन बना के 5 बार आउट हुए हैं। मोहम्मद नबी की 43 गेंद पर 45 रन बना के 1 बार आउट हुए हैं और चक्रवर्ती की 17 गेंद पर 26 रन बना के 2 बार आउट हुए हैं। तो बिल्कुल अभी मैं देख रहा हूँ मैच को, तो अश्विन आउट हो गए खराब शॉट खेल करके हवा में। तो वही मैं आपको बता रहा था कि इनसाइड्स तो आपको पूरी मिलती है, अब वो डिपेंड करता है प्लेयर पर भी, प्लेयर को तो मैं खिला नहीं सकता वो कैसा खेलेगा, लेकिन उनको मौके पूरे उनकी टीम ने दिए, 4 ओवर की पूरे बॉलिंग करने का उनको मौका मिला, विकेट उनको हालांकि नहीं मिला, थोड़े से अनलकी भी रहे और बैटिंग में भी उनको ऊपर भेजा गया लेकिन 8 ही रन बना करके आउट हो गए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं कहूँगा कि निकोलस पुरन आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन यहाँ पर होने वाले हैं, ग्रैंड लीग की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि चक्रवर्ती के खिलाफ थोड़े से कमजोर रहे इवन आंद्रे रसेल और बाकी जो बॉलर्स हैं लेकिन सुनील नारायण और मोहम्मद नबी उनको अच्छा ही खेलते रहे एज ए ऑफ स्पिनर भी। बाकी आइडन वार्करम एक मैच में केवल 2 मैच में अभी तक केवल 1 ओवर की बॉलिंग की है, बाकी बैटिंग ठीक ठाक की है, 12 और 57 की 3 बारी अभी तक इनकी रही है। हेड टू हेड के 1 मैच में इनकी 18 रन रहे हैं, 33 का एवरेज है पहली इनिंग में, 31 का सेकंड इनिंग में। रिसेंट फॉर्म देखें तो 2021 में 29 मैच 773 रन है, 34 का एवरेज 5 चुके हैं। इसके बाद आते हैं शशांक सिंह, जिनसे कुछ खास अभी तक करवाया गया नहीं है। बाकी वाशिंगटन सुंदर 3 ओवर में 14 रन देकर के कोई विकेट नहीं, लास्ट मैच 4 ओवर में 21 रन देकर के 2 विकेट, 4 ओवर में 28 रन देकर के 2 विकेट और साथ ही साथ 18 बल्ले से भी रन बनाए हैं, 40 रन और कोई विकेट नहीं पहले वाले मैच इनका रहा था 3 ओवर में 47 रन देखे। तो बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं बेसिकली और इंपॉर्टेंट ऑप्शन आज के मैच के लिए भी होंगे। 6 हेड टू हेड मैच में 7 विकेट ले चुके हैं, तो स्टैट्स भी अच्छे हो रहे हैं, चेंज करते हुए ज़्यादा बेहतर बैटिंग करते हैं, जैसे कि आप स्टैट्स भी देख लें। बॉलिंग इनकी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है दोनों ही इनिंग्स में। बाकी मार्को यानसन जो कि साउथ अफ्रीकन बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है, 4 ओवर की पूरी बॉलिंग की पिछले 2 मैच में 1-1 विकेट भी लिया है और स्टिल काफ़ी अच्छे बॉलर है, लेकिन इनको आप प्रेफर करिए तब अगर ये सेकंड इनिंग में बॉलिंग करते हैं तब तो ज़्यादा बेहतर बॉलर रहते हैं। 4 मैच में 8 विकेट हैं, 9 मैच में केवल 1 ही विकेट इनकी पहली इनिंग में रहा है T20 करियर में जब भी ये बॉलिंग करते हैं। बाकी करियर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद भुवनेश्वर इनका रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है। हेड टू हेड भी अगर आप देखें तो 23 मैच से इन्होंने खेले, बहुत अनुभव है सामने वाली टीम के खिलाफ, 28 विकेटें चटकाई हैं, सामने के कुछ ऐसे बल्लेबाज भी जिनके खिलाफ ये पूरी तरह से शिकार उनका करते रहे हैं बहुत ही आसानी के साथ। और साथ ही साथ अभी रिसेंट फॉर्म में अगर आप देखें तो 2 विकेट लास्ट मैच में लिए, बहुत अच्छी बॉलिंग की, रन थोड़े पड़े, विकेट भी अगर मैं कहूँ तो इनको ज़्यादा मिलना चाहिए तो 2 ही मिले, लेकिन फॉर्म अच्छा है। बाकी 4 ओवर में 36 रन 1 विकेट, 4 ओवर में 25 रन कोई विकेट नहीं, 4 ओवर में 29 रन 1 विकेट। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस मैदान पर भी कि 1 मैच में 3 विकेट हैं, तो रिकॉर्ड्स एक बार फिर सिंह के साथ जाते हैं। पहली इनिंग सेकंड इनिंग में दोनों ही जैसा एक जैसा बैट बॉलिंग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है सेकंड इनिंग के थोड़े बेहतर बॉलर हैं जरूर है, लेकिन स्टिल आपको पता ही है डेथ ओवर भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, 4 मैच में 5 विकेट इनके 2022 में। उमरान मलिक काफ़ी मांगे रहे पिछले मैच में, 4 ओवर में 39 रन दे दिए लेकिन 1 विकेट भी लिया, काफ़ी अच्छी गति है इनके पास। बाकी अभी तक कुल मिलाकर के 3 विकेट ले चुके हैं, 20 में से 2 मैचेस ऐसे गए थे जिसमें इनको विकेट लेस रहना पड़ा था। इस टीम के खिलाफ 1 मैच खेल चुके हैं, कोई भी विकेट नहीं है, 3 मैच में 8 विकेट पहली इनिंग में, 5 में 3 विकेट सेकंड इनिंग में, तो डेथ ओवर बॉलर है। 8 मैच 11 विकेट IPL के पहले करियर में रहा था। बाकी नटराजन कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, लगातार 2-2 विकेटें हर मैच में ले रहे हैं पिछले 4 मैचेस में, 4-4 ओवर की बॉलिंग, शानदार किफायती बॉलिंग और उसके अलावा 2-2 विकेट यानी कि 8 विकेट अभी तक ले चुके हैं। हेड टू हेड में भी 3 मैच में 4 विकेट हैं, 19 मैच 28 विकेट है पहली इनिंग में, सेकंड इनिंग के 30 मैच 22 विकेट हैं, 2021 में 8 मैच 9 विकेट हैं। बाकी बेंच पर हैं अब्दुल समद, रुमारियो सेफर्ट, प्रियम गर्ग, कार्तिक त्यागी, श्रेयस गोपाल, इनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, सीनियर बॉट है, देखना पड़ेगा कि इनको इनकी अवेलेबिलिटी होती है या नहीं। बाकी आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, अभी तक मेरे पास कोई अपडेट नहीं इनके बारे में, लेकिन अगर ये खेलते तो बहुत इंपॉर्टेंट पिक होंगे, हालांकि रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा है नहीं इनका। बाकी विष्णु विनोद है, ग्लेन फिलिप्स से फजल हक फारूकी है। इसके अलावा अब बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, इनकी तरफ से यहाँ पर आपको अजिंक्य रहाणे लगातार ओपन कर रहे हैं, लेकिन कुछ खास कमाल अभी तक कर नहीं पाए हैं पहले वाले मैच को छोड़ करके, 9, 12, 7, 8 ये इनकी 4 पारियाँ पिछली रही हैं। लेकिन इसके अलावा बड़ा एक अपडेट ये है कि कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से जब मैंने पहला मैच भी कवर किया था इनका, तो भी मैंने आपको बताया था कि डेविड हजी ने साफ साफ बताया था, इवन इन्होंने हालांकि कहा था उस पैट कमिंस के बारे में सेम बात, लेकिन फिलहाल मैं एरोन फिंच की बात करूंगा केवल। एरोन फिंच के बारे में इन्होंने साफ साफ कहा था कि पहले 5 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे KKR के लिए, 6ठे मुकाबले से पूरी तरह से अवेलेबल हो जाएंगे। अब KKR की टीम 5 मुकाबला खेल भी चुकी है, ये 6ठा मुकाबला है और कल से ही ये प्रैक्टिस सेशन को भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आज के मैच में सैम बिलिंग्स की जगह पर डेफिनेटली खेलते हुए दिखाई पड़ने वाले हैं। सैम बिलिंग्स बाहर जाएंगे और हो सकता है अजिंक्य रहाणे भी बाहर जाएं, उनको नंबर 3 पर लाया जाए और इनको ओपनिंग करा दिया जाएगा वेंकटेश अय्यर के साथ। तो ये एक बड़ा अपडेट हो सकता है आज के मैच के लिए, आपके लिए बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, रिसेंटली अच्छे फॉर्म में भी हैं। भुवनेश्वर 17 गेंद पर 12 रन बना के 1 बार आउट हैं, सीनियर बॉट के 42 गेंद पर 43 रन बना के 3 बार आउट हुए हैं। फिलहाल हम वापस लौटते हैं प्लेइंग 11 की तरफ, तो KKR की तरफ से आपने देखे अजिंक्य रहाणे जो कि 6 बार भुवनेश्वर की गेंद पर आउट हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि भुवनेश्वर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है KKR के बल्लेबाजों के खिलाफ,
छियानवे गेंद पर 89 रन देकर 6 ओवर आउट किया। सुरेश गोपाल ने 16 गेंद पर 17 रन देकर 1 ओवर आउट किया। वाशिंगटन सुंदर ने 15 गेंद पर 24 रन देकर 1 ओवर आउट किया। इसके बाद आते हैं वेंकटेश अय्यर, 18 रन कोई विकेट नहीं, 50 नाबाद की एक पारी, 3 10 रन कोई विकेट नहीं, 16। ये इनकी रीसेंट परफॉर्मेंसेज है इस आईपीएल के दौरान अपनी टीम की तरफ से। बाकी के स्टार्ट यहाँ पर आप देखें तो पहली इनिंग सेकंड इनिंग में बैटिंग एवरेज अगर आप देखेंगे तो सेकंड इनिंग का ज़्यादा बेहतर है, तो चेज अच्छा करते हैं, बॉलिंग लगभग एक जैसी है, बॉलिंग कम करते भी हैं, रीसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है और करियर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद श्रेयस अय्यर, पिछले वाले मैच बेसिकली इन्होंने फॉर्म में वापसी की, 54 रन की पारी खेल करके 10 26 13 20, इसके पहले की अच्छी स्टार्ट रहा है, फॉर्म अच्छा नहीं था क्योंकि फॉर्म अच्छा नहीं था, लेकिन उसको बड़े पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, थोड़े से अनलकी भी मेरे ख्याल से थे या थोड़ा शॉर्ट सेलेक्शन भी इनका उतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन पिछले वाले मैच में इन्होंने काफ़ी हद तक सुधार किया अपने फॉर्म में और रिसेंट फॉर्म इनका हेड टू हेड स्टार्ट भी देखे तो काफ़ी अच्छा है। 13 मैच में 378 रन है, 34 का एवरेज है इस मैदान पर, 2 मैच में 63 रन है, 31 का एवरेज है पहली इनिंग में, 35 का सेकंड इनिंग में। रिसेंट फॉर्म तो मैंने आपको बताया काफ़ी कमाल का इनका रहा था, टेस्ट मैचेस में भी कमाल किया इन्होंने, T20s में भी। बाकी भुवनेश्वर के 48 रन के 3 बार आउट हुए, तो ये भुवनेश्वर का रिकॉर्ड यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा है। कार्तिक त्यागी जो कि मुझे लगता नहीं खेलेंगे, सुंदर के 21 पर 31 रन बनाकर 2 बार आउट हुए, श्रेयस गोपाल के 19 पर 24 रन बनाकर 1 बार आउट हुए। बाकी नीतीश राणा, इन्होंने भी पिछले वाले मैच एक अच्छी 30 रन की पारी खेली, उसके पहले 8 0 10 और 21 रन की पारियाँ इनकी रही थी, इनके भी हेड टू हेड के स्टैट्स अच्छे हैं, 11 मैच में 350 रन, 31 का एवरेज इस मैदान पर भी, एक मैच में 30 रन है। बाकी 32 का इनका बैटिंग एवरेज होता है सेकंड इनिंग में, जो कि पहली इनिंग के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। बाकी अगर हम बात करें तो रिसेंट फॉर्म 2021 का 29 मैच 722 रन, 31 का एवरेज 3 विकेट हैं। भुवनेश्वर यहाँ पर एक बार फिर से दिखाई पड़ेंगे, 32 गेंद पर 39 रन देकर 2 ओवर आउट किया है नीतीश राणा को, और सुंदर भी एक बार फिर से दिखाई पड़ेगा, 18 गेंद पर 22 रन देकर 2 ओवर आउट किया है। इसके बाद आते हैं अंदर रसल, पिछले वाले मैच 24 रन भी बनाए, 1 विकेट भी लिया, तो अच्छा ओवरऑल ऑलराउंड परफॉर्मेंस इनका रहा। उसके पहले वाले मैच में 11 रन कोई विकेट नहीं, 70 रन 1 विकेट, 25 रन कोई विकेट नहीं 1 विकेट, तो इस तरह से बॉलिंग लगातार कर रहे हैं। बाकी ये भी इनकी तरफ से देखना पड़ेगा इनकी टीम कितने सारे बॉलर्स को लेकर के चलती आज के मैच में। बाकी इनके भी अगर आप देखें तो हेड टू हेड के स्टार्ट बहुत ही, अगर बात करें तो बिलो द एवरेज है, 11 मैच 116 रन है, 13 के एवरेज 8 विकेट इस मैदान पर, 2 मैच में 61 रन लेकिन 4 विकेट, तो इस मैदान में परफॉर्मेंस तो अच्छा है। बैटिंग एवरेज लगभग सिमिलर सा ये दोनों इनिंग्स में आप कह सकते हैं, और डेथ ओवर के अच्छे बॉलर है तो पहले इनिंग में ज़्यादा विकेट इनको मिलती है। रिसेंट फॉर्म देखते तो 2022 में 6 मैच में 8 विकेट थी आईपीएल के पहले। सैम बिलिंग्स 15 17 24 14 25 की 4 पारियां भी खेल चुकी, और मुझे लगता है इंडिया पर एरन फिंच टीम में आएंगे भी वापस। बाकी पैट कमिंस पहले मैच जहाँ थे इन्होंने धमाका किया था, सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी जड़ी थी, 56 रन के नाबाद पारी और 2 विकेट भी ली, लेकिन पिछले वाले मैच इसका जस्ट उल्टा हुआ, केवल 4 रन बना पाए और जबरदस्त पिटाई हुई इनकी, 4 ओवर में 51 रन दे दिए, विकेट नहीं मिला। बाकी हेड टू हेड के 4 मैच में 3 विकेट हैं इस मैदान पर, 1 मैच में 4 रन है। बाकी अगर बात करें तो पहली इनिंग सेकंड इनिंग का बैटिंग इनका देखना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन बॉलिंग अगर आप देखें तो डेफिनेटली डेथ ओवर अच्छे बॉलर, अच्छे पहली इनिंग के बॉलर हैं, तेज गेंदबाज ज़्यादातर पहली इनिंग में ज़्यादा विकेट निकालते हैं, और रेयर खिलाड़ी होते हैं जो सेकंड इनिंग में ज़्यादा विकेट निकालते हैं, और इनके सेकंड इनिंग की भी परफॉर्मेंस अच्छी खासी है, रिजल्ट फॉर्म में बढ़िया है एज ए बॉलर, 14 मैच में 14 विकेट 2021 में। बाकी सुनील नारायण बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं शुरुआत से ही, पूरे टूर्नामेंट के थ्रू आउट द टूर्नामेंट इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। पिछला KKR का जो वीडियो मैंने कवर किया था उसमें मैंने साफ साफ बताया था कि विकेट को नहीं मिल रही, 4 ओवर में 15 रन, 4 ओवर में 12 रन, 4 ओवर में 23 रन, 4 ओवर में 26 रन, लेकिन आज का भी विकेट इनके मतलब को उतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी स्टिल मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। साथ ही साथ 2 विकेट भी लिया लास्ट मैच में, और रिसेंट अगर बात करें हेड टू हेड के तो 19 मैच 198 रन, 14 विकेट है, 1 मैच में 2 विकेट इस मैदान पर है। इसके अलावा अगर बात करें तो उमेश यादव हैं जो पिछले मैच में भी 1 विकेट लेकर गए, लेकिन पिछले वाले मैच काफ़ी मांगे रहे, 4 ओवर में 48 रन दे दिया। बाकी शुरू से ही काफ़ी कमाल की बॉलिंग कर रहे थे इस टूर्नामेंट में ये, कुल मिलाकर के अभी तक 10 विकेट 4 मैच में ले चुके हैं, 5 मैच में ले चुके हैं टीम की तरफ से। हेड टू हेड में भी 15 मैच में 12 विकेट हैं इस मैदान पर, 2 मैच में 24 रन है, 2 विकेट हैं। पहली इनिंग में ज़्यादा बेहतर बॉलिंग रिकॉर्ड था, सेकंड इनिंग का थोड़ा कमजोर है। रिसेंट फॉर्म 3 मैच में 2 विकेट थी 2021 में। बाकी रसिकदार पहले मैच तो अच्छी बॉलिंग की, अच्छे स्विंग बॉलिंग की बेसिकली दोनों ही तरफ स्विंग करा रहे थे गेंद को, लेकिन पिछले मैच में केवल 1 ही ओवर बॉलिंग करवाई गई, इनसे 10 रन दे दिए, विकेट नहीं मिला। बाकी करियर देखें तो 6 मैच में 4 विकेट है। बाकी वरुण चक्रवर्ती एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो आज के मैच में हो सकते हैं, इनकी अगर बात करें तो लास्ट मैच में ये भी मांगे रहे, 4 ओवर में 44 रन दिए, 1 विकेट लिया। उसके पहले वाले मैच में भी 1 विकेट था, 1 विकेट करके लगातार 4 मैच में विकेट ली है, बीच में 1 मैच में विकेट नहीं मिला था, तो 5 मैच में टोटल 4 विकेट अभी तक इन्होंने ले रखी हैं। हालांकि इनको रहस्यमयी गेंदबाज कहा जाता है, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस इनकी नहीं है, तो ये तो प्लेइंग 11 हो सकती है यहाँ पर KKR की तरफ से। इसमें एरोन फिंच मुझे लगता है वापस आएंगे सैम बिलिंग्स की जगह पर। बाकी टीम साउदी है, शिवम मामी है, सल्डन जैक्सन है, रिंकू सिंह है, मोहम्मद नबी है, इनमें से कौन खेलेगा कौन नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता भी ज़्यादा चेंजेस ये टीम करेगी। लेकिन बाकी स्टैट्स हर एक प्लेयर के मैंने यहाँ पर दे दिया आपको, इसको वीडियो को कंप्लीट आप पूरा जरूर देखिएगा और हर एक स्टैट को कोरिलेट करिएगा पिच रिपोर्ट से और हेड टू हेड के स्टैट्स आपको मैंने जो बताए थे कितने मैचेस खेलेंगे दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ और कौन सी टीम पहली इनिंग में ज़्यादा बेहतर खेलती है, सेकंड इनिंग में ज़्यादा बेहतर खेलती है और क्या स्कोर करती है, उसको रिलेट करके अपनी ग्रैंड लीग की टीम जरूर बनाइए। और एक बात जो हमारे आप 1000 रुपये की गिव अवे का क्वेश्चन था,
वो आपको मैं क्वेश्चन अगर पूछूँ तो आपको क्वेश्चन पूछने से पहले आपको बता दूँ, देखिए वीडियो को सबसे पहले आपको लाइक कर देना है और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर देना है प्रेस, तभी आप गिव अवे के लिए एलिजिबल होंगे। और वीडियो को शुरू से अंत तक आपको पूरा देखना है और इतना काम करने के बाद आपको जाना है कमेंट बॉक्स में और आपको जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका आंसर करना है। आपको बताना है कि आज के मैच का मैन ऑफ द मैच होगा कौन, यानी कि आज के मैच में कौन सा ऐसा प्लेयर है जो मैन ऑफ द मैच होगा, उसका नाम आप लिखिएगा, MOM लिख दीजिए पहले कमेंट बॉक्स में और उसके बाद इक्वल करके उस प्लेयर का नाम। और आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा विकेट यानी कि मोस्ट विकेट्स आज के मैच में ऐसा कौन सा बॉलर है या जो भी हो खिलाड़ी है वो सबसे ज़्यादा विकेट कौन लेगा। तो आपको या तो एक ही प्लेयर का नाम लिख दीजिए दोनों में, आपको जो भी लगे कि ये प्लेयर मैन ऑफ द मैच होगा उसका नाम लिख दीजिए और ये प्लेयर सबसे ज़्यादा विकेट लेगा उसका नाम लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर के, तो जिसका आंसर सही होगा उसको 1000 रुपये का गिव अवे किया जाएगा। बाकी ये पूरी एनालिसिस देखने के बाद और समझने के बाद जो हमारी फिलहाल टीम बनकर के निकल करके आ रही है सामने, उसमें निकोलस पुरन तो हमारे विकेट कीपर बैट्समैन होंगे ही, बाकी एरोन फिंच, केन विलियमसन, श्रेयस अय्यर ग्रुप में 3 बैट्समैन में लेकर के चल रहा हूँ, विलियमसन हमारे टीम के वाइस कप्तान होंगे, बाकी अंदर दरअसल पैट कमिंस, वेंकटेश अय्यर और ए शर्मा यानी कि अभिषेक शर्मा ग्रुप में 4 ऑलराउंडर होंगे, बाकी भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और वरुण चक्रवर्ती ग्रुप में 3 बॉलर होंगे। थोड़ी सी क्रेडिट की भी समस्या है आज के इस मैच में, लेकिन फिलहाल पूरी तरह से एडजस्ट हो चुकी इस तरह की टीम बनाने के बाद। कप्तान आंद्रे रसेल, वाइस कप्तान एरोन फिंच, पूरन आपके लिए बहुत अच्छे ग्रैंड लीग के कप्तान ऑप्शन होंगे, फिंच भी हो सकते हैं, इवन पर यहाँ पर श्रेयस अय्यर भी हो सकते हैं। तो ये तो मेरी टीम रहेगी, बाकी आपको जो अपने हिसाब से चेंजेस करना बिल्कुल कर सकते हैं, सारी एनालिसिस सारे डेटाज आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। आपको टेलीग्राम के चैनल को जरूर जाकर के ज्वाइन कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर आपको एक ग्रैंड लीग, 6 ग्रैंड लीग और एक स्मॉल लीग की टीम तो मैं देता ही हूँ, 45,000 रुपये की गिवअवेज वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और जो लाइक और कमेंट का गिवअवे था वो भी आपको वहीं पर अनाउंस किया जाता है और क्वेश्चन गिवअवे भी वहीं पर अनाउंस किया जाता है। तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती रहती हैं। अब जाकर के परफॉर्मेंस मेरी देखिए आईपीएल के मैचेस की, एक आईपीएल के मैच हम हारे हैं केवल बुरी तरह से, एक हमारा एवरेज गया है और टोटल मैचेस हमने क्लीन स्वीप की है, और पिछले 5-6 मैचेस से हमने 100-150 पॉइंट से जीता है भाई साहब। जाकर के आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट्स मैंने डाल दिए अपने टेलीग्राम पर, सारे स्क्रीनशॉट ज़्यादा मैं डालता नहीं, हालांकि वहाँ पर पड़ा हुआ, चूँकि स्ट्राइक वगैरह का भी चक्कर होता है कई बार, पिछला चैनल डिलीट हो गया था उसी चक्कर में, तो अब जाकर के देखिए स्क्रीनशॉट फिर भी पड़े हुए हैं, 100-150 नंबर पॉइंट्स के डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि हमारे कप्तान या वाइस कप्तान कोई ऐसा होता है जो नहीं चलता उसके स्टिल उसके बाद भी, जैसा कि अगर मैं बात करूँ जॉनी बेस्टो जो अपनी टीम की तरफ से जिस टीम की तरफ से खेलते हैं उनको मैंने पिछले दोनों मैचेस में नहीं लिया, पंजाब की तरफ से खेलने हैं उनको दोनों मैचेस में मैंने अपनी टीम में नहीं लिया, और दोनों मैचेस में मैंने डिफरेंट प्लेयर को अपनी टीम में लिया, पिछले वाले मैच जो मुंबई के खिलाफ उसमें मैंने सूर्य कुमार यादव को लिया और बिल्कुल सफल रहा हमारा। तो इस तरह के हम फैसले करते हैं, तो बेस्टो को लगभग लोगों ने कप्तान ही बना करके ले गए थे। तो फिलहाल इस तरह से आपको वीडियोज और इस तरह से आपको टीमें मिलती हैं, तो आप जाकर के देख सकते हैं, एक आध मैच की हार अलग बात है, बाकी जैसे मैंने बताया कि एक आईपीएल मैच में हम हारे हैं, कई सारी हमारी स्मॉल लीग की जो टीम होती है आईपीएल के अलावा जो मैचेस होते हैं T10 के या कई सारे T20 मैचेस होते हैं उसमें हमारी स्मॉल लीग की टीमें ग्रैंड लीग जीत रही हैं। अब जाइए सिंपली टेलीग्राम को विजिट करिए और उसके बाद ही ज्वाइन करिए अगर आपको लगे जो मैं चीज़ कर रहा हूँ सही है, और यूट्यूब की जो बाकी वीडियोज़ पड़े हुए इसी चैनल पर उसके कमेंट सेक्शन आप चेक कर लीजिए, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।